हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मॉर्निंग ग्लोरी की एक वीडियो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है मॉर्निंग ग्लोरी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मॉर्निंग में ब्लूम करता है, यानी कि इसके फूल जो है मॉर्निंग में ही खिलते हैं। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो इसके जो फूल है बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने इसकी ढेर सारी बड्स जो है बन रही है। तो रोज़ ही इस पर इस तरह से फूल खिलते हैं, और इनके जो फूलों का कलर है काफ़ी खूबसूरत है पिंक शेड में। तो मेरे पास इसके दो कलर हैं, तो एक है पर्पल और एक है पिंक। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इसके जितने फूल हैं वहीं पर इसकी जो बड्स है बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए इसकी केयर, प्रोपोगेशन और सनलाइट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, तो मैं 2-3 साल पहले इसके सीड्स जो है लेकर आई थी, तो मैंने तभी इसको ग्रो किया था। और इसके कलर जो है मिक्स होते हैं उसमें जो पाउच मिलता है, और बहुत ही जल्दी ईजिली ग्रो हो जाते हैं सीड से। और ये सेकेंड प्लांट है, इस पर पर्पल कलर के फूल आते हैं। आप देख सकते हो ये फूल स्पेंड हो चुका है और इसके साथ एक नई कली भी बनी हुई है। तो इस जगह पे ये जो प्लांट है काफ़ी देर से लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो है। तो मेरे यहाँ पे वेजिटेबल के प्लांट लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ मैंने ये रखा हुआ है इस तरह से। तो इसको मैंने खुद ग्रो नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 साल पहले मैंने इसको ग्रो किया था। तो इसके सीड्स खुद ही बनते हैं, गिरते रहते हैं, और सीज़न आने पे ये खुद ही प्लांट जो है तैयार हो जाता है। आप इसको बस एक ही बार अपने गार्डन में लाएं, तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। आप अगर चाहो तो इसके सीड कलेक्ट करके रख सकते हो, लेकिन फिर भी इसकी जो ज़रूरत है नहीं होती, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं आप कहीं भी उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो अपनी मनपसंद जगह पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट जो हैं बन रहे हैं। तो मैंने यहीं से निकाल निकाल के और भी कई जगह पे प्लांट इसके ग्रो किए हुए हैं। जैसे ये प्लांट ग्रो हो रहा है, और इसी के साथ नया सीड जो है बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे इसके दो लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मॉर्निंग ग्लोरी है। तो अगर इसकी केयर की बात करें तो इसकी केयर कुछ भी नहीं है। आप बस इसको डेली पानी दें, वाटरिंग करते रहें, और आपको ये ढेरों फूल देता रहता है। और यहाँ पे मैंने ठीक उसके ऑपोजिट, जो मैंने सबसे पहले आपको पॉट दिखाया उसी के ऑपोजिट, मेरे यहाँ पे एक और ग्रिल लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच के पॉट में इनको 3-4 इसके जो प्लांट हैं मैंने वही क्यारी जो आपको दिखाई वहाँ से उठा के इसमें ग्रो किए थे। तो अभी आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है, और इस पर जो बड्स है वो भी बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 2 से 3 दिन में इसकी जो बड्स हैं वो भी खिलने लगेंगी। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और अगर सनलाइट की बात करें, जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी का नाम है, तो इसका मतलब ये है कि इसको धूप जो है सुबह की चाहिए होती है। तो आप इसको वहाँ पे रखें जहाँ पे सुबह की धूप आती है, बाद में चाहे धूप आए या ना आए। तो ये एक बुशी प्लांट होता है, वैसे तो इसका नेचर है कि ये एक वाइन है, और बट ये जो इतनी हैवी वाइन हो जाती है कि आपको जो है संभाली नहीं जाती, इतनी ज़्यादा ये फैल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। आपने रोड साइड पे देखा होगा इसके प्लांट काफ़ी पेड़ों के ऊपर चढ़े होते हैं, वो इसकी देसी वैरायटी होती है। वो भी प्लांट जो है काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरिएटेड है। तो ये आपको ख़रीदना ही पड़ेगा नर्सरी या फिर किसी भी शॉप से जहाँ पर सीड मिलते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आपके पास जगह काफ़ी खुली है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो लोगों ने इसको अपने घरों के जो मेन गेट होते हैं उसके ऊपर इस तरह से चढ़ाया होता है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर इस पे फूल ना भी आए तो भी इसकी जो पत्तियां हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आपको इसके जो फूल हैं सुबह को ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7-8 बजे के बाद इसके जो फूल हैं बिल्कुल क्लोज़ हो जाते हैं।